सो भाई अभी मैं हूँ बनिहाल। देखिए चारों तरफ यहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बनिहाल से। और आज हम जो यात्रा करने वाले हैं वो बनिहाल से लेके जम्मू तक करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको पूरा बर्फबारी दिखाऊंगा, रास्ते में कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई होगी वो सब दिखाऊंगा और टनल्स दिखाऊंगा, बहुत लंबी लंबी टनल्स आएंगी रास्ते में। सो बहुत ही खूबसूरत रास्ता होने वाला है हमारा, जो कि हमारा बनिहाल से जम्मू तक का होने वाला है। सो दोस्तों बने रहिए ब्लॉग में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। सो देखिए पहले व्यू देख लो भाई, पहले आप एक बार व्यू देख लो आप, कितना ज़्यादा खतरनाक व्यू है देखिए हमारा, देखिए। और इधर भी बर्फ है और ये जो रेंज देख रहे हो आप, ये पूरी पीर पंजाल की रेंज है, जिसके पार कश्मीर वैली स्टार्ट होती है। एंड जो पीर पंजाल की टनल है ये काफ़ी लंबी टनल है, 11 पॉइंट कुछ किलोमीटर लंबी टनल है, जिसमें मैंने ऑलरेडी यात्रा कर रखी है। तो अभी फिलहाल जो मतलब जम्मू जाने वाले साधन है सिर्फ मतलब टम्पू चल रही हैं, छोटी गाड़ियां चल रही हैं क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और जो सरकारी बसेस हैं JKSRTC की, वो सारी की सारी बसेस बंद हैं, सिर्फ छोटी गाड़ियां चल रही हैं। यही साधन आपको जम्मू के लिए मिल जाएगा। अगर किराए की बात करें तो किराया ठीक ठाक लिया जा रहा है यहाँ से बनिहाल से जम्मू तक के लिए, वो मैं आपको आगे जाके शेयर करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की यात्रा को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मिनी बस होने वाली है, मिनी गाड़ी होने वाली है, जिससे हम यात्रा स्टार्ट करेंगे। गाड़ी का नंबर है JK90603। हाँ भैया, जम्मू से श्रीनगर चलते हो? ये भैया भी जम्मू से श्रीनगर के बीच में चलते हैं। हाँ देखिए अभी यात्रा करी है मैंने ट्रेन से एंड यहाँ पे पूरी जो पहाड़ है ये पूरा लदा हुआ है। हेलो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि विशाल भाई आप जर्नी के लिए इतना सारा खर्चा कैसे निकालते हो, मतलब आप इतनी सारी जर्नी करते हो उसका खर्चा कैसे मैनेज करते हो। तो मैंने सोचा आज आप सभी को मैं बता ही दूँ कि मैं क्या करता हूँ जिससे मैं इतनी सारी जर्नीज को मैनेज करता हूँ। तो दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ एक्सपर्ट ऑप्शन, इस पर आप ट्रेडिंग करके बहुत ही कम समय में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। उसके लिए आपको ज़रूरत होगी एक फ़ोन की और एक मेथड की, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उस लोगों को पता नहीं होगा कि भाई ट्रेडिंग क्या होती है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि ट्रेडिंग पे आप चार्ट की मूवमेंट को देख के बैट लगा सकते हो कि ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। जो अपना एक्सपोर्ट ऑप्शन है इस पर आप क्रिप्टो करेंसी एंड स्टॉक की मूवमेंट्स पे बैट लगा के पैसे कमा सकते हो। तो आइए देखते हैं इसमें आपको कैसे बैट लगानी है एंड कैसे आपको ढेर सारा पैसा अर्न करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको एक्सपोर्ट ऑप्शन को अपने फ़ोन में खोलना है, ठीक है। खोलने के बाद आपको यहाँ पे अपने अकाउंट्स पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट मिलते हैं। डेमो अकाउंट आपको प्रैक्टिस के लिए मिलता है, मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आपको रियल अकाउंट पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर देना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ या 50 रुपीज़ का डिपॉजिट टॉपअप करना होगा। और अगर आप एक घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन के एक घंटे के अंदर टॉपअप करते हो तो आपको 100 रुपीज़ का यहाँ पे बोनस मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे करना है। दोस्तों ट्रेड आपको ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे अपने असिस्ट को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जो भी मतलब हाई चल रहा होगा आप उस असिस्ट को चार्ट में से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये असिस्ट को सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना अमाउंट को सेलेक्ट करना है। अमाउंट को सेलेक्ट आप कितना भी कर सकते हो, 100 रुपीज़ मैं करता हूँ, ठीक है। अमाउंट को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपको चार्ट को देखना है। जब तक हमारा ये चार्ट है जो ऑरेंज लाइन को टच नहीं कर लेता है तब तक आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे इंडिकेटर एलिगेटर को ऑन करना है। एंड देखो जो आपकी ब्लू एंड पर्पल लाइन है अगर वो नीचे से ऊपर टच करती है तो आपको बाय पे क्लिक कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दी है आपने, अब देखते हैं, वेट करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कमा लिया है 186 रुपीज़ का, ठीक है। अब मैं आपको एक और बार करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब हमारी ब्लू लाइन और पर्पल लाइन नीचे से ऊपर तक जाएगी ऑरेंज लाइन के तो हमें बाय पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब वेट करते हैं थोड़ा सा। सो दोस्तों देखिए हमने फिर से यहाँ पे प्रॉफिट
कमाल ही है। तो दोस्तों चलिए आपको मैं बताता हूँ कि आपको डिपॉजिट कैसे करना है। डिपॉजिट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे मेरा प्रमोशनल कोड मिल जाएगा आपको। अगर आप मेरा प्रमोशनल कोड यूज करते हो तो आपको 100 रुपीज तक का बोनस मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप यहाँ से जितना भी मतलब डिपॉजिट करना है आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू करना है। बाकी पेमेंट्स में ये हर एक मतलब पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों अब विड्रॉल कैसे करना है। अब अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करने के लिए आपको फाइनेंस पे क्लिक करना है। फाइनेंस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है और यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना अमाउंट सेलेक्ट करना है जितना भी आपको विड्रॉल करना हो। उसके बाद अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा मेथड जिससे मैं अपनी जर्नी का खर्चा निकालता हूँ। अगर आपको भी ट्रेडिंग करनी हो तो जल्दी से जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, एक्सपर्ट ऑप्शन को डाउनलोड करो एंड रजिस्ट्रेशन करो एंड डिपॉजिट करो एंड आप भी ढेर सारा पैसा अर्न करो। कितने पैसे है जम्मू के? एक जना हाँ आगे बैठना है ना भैया, आप आगे बैठा हाँ। आगे बैठो, सेंटर में तीन ही काम है। कितने पैसे? 1000 रुपए भैया, पीछे 700। हाँ पीछे 700। अब तीन ही काम है, सेंटर है यार, बहुत सेंटर की सवारी है भाई। आ जाओ ये सेंटर सीट की सवारी है, पीछे बैठने वाले बंदे पीछे बैठाएगा, पीछे कहाँ बैठेगा, बैठो सेंटर में आ जाओ। ये हमारी गाड़ी है, बैग मैंने रख दिया भाई ऊपर, वो बैग दिख रहा है। चलिए इंटीरियर दिखाते हैं आपको गाड़ी का। कर दो सीधी सीधी कर दूं? कर दे। इंटीरियर देख सकते हो बस का। हाँ ये हमारे ड्राइवर साहब है जो कि हमें लेकर जाएंगे। बस का इंटीरियर है 2x2, पता नहीं कितने सीटर हैं, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 4। क्या मसला है भाई? कितने कुछ नंबर शंबर नोट करके रख रहा है, चक्कर क्या दे रहा है? टाइम हो रहा है भाई 1 बज रहा है और अपनी गाड़ी निकल चुकी है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। डिस्टेंस होगा 157 किलोमीटर का, है ना? 157 किलोमीटर का होगा ना भैया? हाँ भैया 150 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा ना जम्मू का? हाँ 170 किलोमीटर, 170 किलोमीटर का। एंड ये भैया क्या नाम आपका? हाँ तो भैया लेके जाएंगे हमें। भैया बोल रहे हैं कि अगर जाम होगा ना तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन अगर जाम नहीं हुआ तो 5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे जम्मू। बाकी देखिए यहाँ पे बर्फबारी काफ़ी ज़्यादा हुई है। देखिए हमारे ड्राइवर चेंज हो चुके हैं, आप लेके जाओगे? हाँ ये ड्राइवर चेंज हो चुके हैं हमारे अभी। एंड देखिए निकल चुकी है अपनी टेम्पो इधर से बनिहाल। हाँ
दोस्तों बनिहाल से हम निकल चुके थे, बहुत ही खुशी खुशी से निकल चुके थे। और ये जो आप रोड देख सकते हो, ये पूरा मतलब छोटा सा रोड है, ये हमारा नेशनल हाईवे है। जी हाँ, आपको देखकर आश्चर्य होगा कि हम नेशनल हाईवे 44 पे चल रहे हैं, जो कि इतनी बुरी हालत है इसकी, मतलब कि इतना छोटा रास्ता है ये। आगे जाके हमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ये आप खुद इस वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन अभी हम काफ़ी खुश थे, स्नो को इंजॉय कर रहे थे। बनिहाल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी हमने तय करी थी और हमारी जो मतलब गाड़ी थी, टेम्पू था, ये अगली वाली गाड़ी को फॉलो करता हुआ धीरे 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 हम नीचे की तरफ डल रहे थे। और दोस्तों आगे हमारी गाड़ी कितने बड़े जाम में फंसने वाली है, ये हमने कभी भी नहीं सोचा था। ये नेशनल हाईवे 44 कश्मीर टू कन्याकुमारी जाता है और इसके साइड ही ऊपर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ये दूसरा हाईवे बन रहा है। इस हाईवे का काम कम से कम मुझे लगता है 20 साल से पहले से लगा हुआ है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर जाने के लिए हाईवे तक नहीं बना है। ये सिर्फ एक ही रोड है जिसको आप हाईवे कह लो या एक सिंगल रोड कह लो। ये मतलब गांव, मतलब ऐसे रोड तो गांव में होता है इंडिया में। तो हम आगे जाके फंस जाते हैं देखो बड़े से जाम में। अब इस जाम में हमारी क्या दुर्दशा होती है वो आप इस ब्लॉग में खुद ही देख लो भाई। देखो क्या हालत है, इसमें हम कितने घंटे तक फंसने वाले हैं, पूरा लंबा जाम क्या हमारे साथ होने वाला है ये आप खुद इस वीडियो में देख लीजिएगा।
भाई अभी हमने डिस्टेंस कवर किया होगा तकरीबन खींच के कोई मुझे नहीं लगता कि 40 किलोमीटर का भी किया होगा। ये टनल में फंस गई हमारी गाड़ी भाई, देखो अभी बैक करके उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। देखो देखो भाई आज फिर वही हिसाब हो गया जो कि पहले होता था। पहले मैं यहाँ पे आता था, मतलब एक बार पहले आया था, पहले भी ऐसा मतलब जाम लगा था, एक किलोमीटर जाने के लिए 25-30 या कम से कम एक घंटा भी लग जाता है। अब मुझे लगता है रात यहीं पे काटनी पड़ेगी, क्योंकि देखो 1 बजे निकले थे, 4 बज गए हैं, अभी तक हमने 30 या 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। बाकी यही हिसाब रहता है भाई जम्मू श्रीनगर हाईवे पे। देखिए ये है इसका हाल, देखिए जाम ही जाम यहाँ। देखो अब दुकान से लेते हैं यार कुछ खाने के लिए, भूख लगी है। चल 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 उठा चल। देखो भाई व्यू व्यू तो बहुत खतरनाक, लेकिन हमारी गाड़ियाँ जाम वही है जहाँ पे पहले था। 2 घंटे हो गए एक ही जगह पे खड़े 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 खड़े, अब तो ऐसे बाहर जाके ठहर रहे हैं। एक बार बताऊं मैं आपको, ये देखो ये अपनी चिनाब रिवर, काफ़ी बड़ी रिवर है ये चिनाब। एंड मौसम देखो, और जम्मू से कश्मीर जाना हो या कश्मीर से जम्मू जाना हो कभी भी गाड़ी से मत आना भाई। मैं पहले भी आया था, मैंने कसम खाई थी, लेकिन मैं पहले भी आया था तब भी मैंने मतलब ऐसे ही रेंगते रेंगते गए थे, मतलब कम से कम 12 घंटे लगे थे पिछली बार भी, तो इस बार भी यही है कि एक दिन लग जाएगा। 5 बज गए हैं शाम के, 1 बजे निकले थे और अभी 50 रामबन भी नहीं पहुँचे अभी। देखो यहाँ पे अंधेरा हो गया एकदम से, और एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब कितनी देर से हम गाड़ी में बैठे हैं। सो मैं जा रहा हूँ आगे, मतलब यहाँ से रामबन को 2-3 किलोमीटर है, तो अभी वॉक करके चलते हैं, कुछ खाते हैं, क्योंकि यार काफ़ी शाम हो चुकी है। सुबह से मैंने बस वही एप्पल्स एंड ब्रेकफास्ट किया था मैंने, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, तो साथ में देख आते हैं कितना बड़ा जाम लगा है। देखिए बोल रहे हैं कि आगे लैंडस्लाइडिंग या कुछ हुआ है आगे, पता नहीं क्या हुआ है, किधर आदमी वाले पता नहीं क्या सीन। देखिए पुलिस वाले इकट्ठे हो गए यहाँ पे, चलते हैं चेक करवा के। जाम काफ़ी दूर तक लगा है इधर, देखिए भाई इधर अटका है सारा जाम, ये देखिए इधर अटका है पूरा जाम, इसके पीछे सारी गाड़ियाँ। ये देखिए भाई नीचे, ये देखिए चिनाब रिवर, यहाँ से मैं चल के आ गया। एंड ये सामने आपको एक व्यू दिखाता हूँ, ये देख रहे हो ना सारा आप, ये जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट रामबन दिख रही है, एंड ये हमारी रिवर चिनाब, काफ़ी ब्यूटीफुल है। देखिए कितनी घने घने घर है यहाँ पे, बहुत मतलब पहाड़ी एरिया है ये पूरा। देखिए भाई ये देखिए हमारा जाम है जो वो खुल गया है, वो देखिए। एंड बाकी खाना खाना वाना मैंने पीछे से खा लिया, चावल और साथ में दाल, मतलब प्लेट खा ली पूरी। और अभी ढूंढते भाई अपनी गाड़ी को, क्योंकि जो अपनी गाड़ी है वो क्या खो गई है बीच में। हाँ तो अभी ढूंढते हैं भाई गाड़ी अपनी कहाँ खो गई है। दुकान है फिर पीते हैं भाई चाय, दे दो। ये क्या है ये? हाँ तो अभी हमारी गाड़ी पीछे ही है, यहाँ पे कुछ चाय वगैरह पी लेते हैं यार, चाय पीने का सर्दी में मजा ही कुछ और होता है। बाकी जाम कहाँ तक रहने वाला है कुछ नहीं पता, मीठा भी बराबर रखना है। ये भाई बना रहे हैं यहाँ पे चाय, वाह। और ये अभी रामबन ही है, अभी अंधेरा हो चुका है पूरा। तो अभी मैंने चाय वगैरह पी ली, अब एकदम मतलब फिट हो चुके हैं, मतलब पेट हमारा भर चुका है। अभी हमारी अभी जितना मर्जी जाम रहता है सुबह पहुँचे हम, अब टेंशन नहीं है क्योंकि भूख लग रही थी, मैंने सोचा रास्ते में कुछ मिलेगा नहीं, अब भाई पेट पूजा हो गई। रात के बज रहे हैं अभी 6:15 हो रहे हैं, और अभी हम निकल चुके हैं रामबन से, जो थोड़ा बहुत
नहीं नहीं खा लो खा लो। तो भाई ये लग गया हमारा टेम्पू और अभी टाइम हो रहा है भाई 8 बज रहे हैं और यहाँ पे क्या सीन हो गया, आगे हुई है लैंड स्लाइडिंग, मतलब लैंड स्लाइड हुआ आगे और जो सारे के सारे गाड़ियाँ थी, मतलब बड़ी गाड़ियाँ जैसे टेम्पू हो गए, ट्रक हो गए और जो महिंद्रा हो गई, ये सब मतलब गाड़ियाँ जो बड़ी बड़ी ये यहीं पे रोक दी है इन्होंने, क्योंकि ये हाईवे से जाने वाली गाड़ियाँ हैं, बाकी जो छोटी गाड़ियाँ थी वो दूसरा रूट है यहाँ से, इस रूट से भेज रहे हैं। बाकी हमने तो भाई गलती कर दी कि जो मतलब टेम्पू से आए, अगर हम छोटी गाड़ी से आते तो काश हम निकल पाते, लेकिन अब क्या करें, अब देखते हैं आगे कब रास्ता साफ होता है, उसके बाद हमें वो बोलेंगे। भाई देख लो इतने भी चाय, जितने भी पैसेंजर से सारे मतलब बैठ गए हैं। अब 2 बजे तक खुलेगा ना रास्ता, क्या कितने बजे तक कहां ये रास्ता कब खुलेगा? खुला है ना रास्ता अभी। हाँ ये आगे बोल रहे हैं लैंड स्लाइडिंग हुई है, बंद कर दिया, पत्थर गिरा, बंद कर दिया। हाँ पत्थर गिरा आगे बंद कर दिया, नहीं खुलेगा रात में। हाँ भैया चाय बनाओ ना, अगर रात में खुला तो अभी बंद हुआ ना। हाँ ये अभी गाड़ी चल रही थी। हाँ अब बंद हुआ जैसे भी, चाय बनाओ। सो भाई देखो अब हमारी गाड़ी है जो वो दूसरे रास्ते से आई है और यहाँ पे अब क्या बोल रहे हैं, देखो पूरी गाड़ी खाली कर दी है और यहाँ पे बोल रहे हैं कि अब पैदल जाओ, क्योंकि आगे पुल, आगे एक पुल है जो कि हमें अब पैदल जाके क्रॉस करना पड़ेगा। सारी मतलब यात्री देखिए पैदल जा रहे हैं, वो पुल ना मतलब पता नहीं क्या चक्कर है, बट मैंने किसी से पूछा, वो बोल रहे हैं कि जो पुल है वो इतना ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता, इतना ज़्यादा वेट कैरी नहीं कर सकता, इसलिए हमें पैदल पुल को क्रॉस करना पड़ेगा। वो पुल है जो चिनाब नदी गया, बाकी अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा। और भाई फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे साथ, फर्स्ट टाइम। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ऑपरेशन होता है क्या, मतलब चेकिंग करते हैं क्या करते हैं, सब कुछ बताएंगे। बट काफ़ी यात्री हैं जो वो सारे यात्री पैदल जा रहे हैं, देखिए पूरी गाड़ियाँ उन्होंने खाली कर दी हैं यहाँ पर देखिए। और सिंगल ये क्यों भैया लोड नहीं उठा सकता ये ब्रिज? हाँ तभी पैदल भेजते हैं, देखो ना फट्टों का है ना ये भाई, फट्टों का ब्रिज है एंड यहाँ पे एक ही गाड़ी एक टाइप पे जा सकती है, बाकी देखो रस्सों वाला ब्रिज है एकदम, और अनसेफ ब्रिज है, इसलिए हम सारे पैदल जा रहे हैं क्योंकि रस्सों से बंधा हुआ था ये, देखिए ये रस्से बंधे हुए थे इसके साथ, एंड कर लिया हमने पार। बाकी बहुत ही डेंजरस ब्रिज था ये जो कि अभी हमने पार करा, जो कि हमने पार करा। फिर बना दो गाड़ी तो आ गई, अभी देखो एक वन बाई वन सभी बोर्ड मतलब बोर्ड कर रहे हैं इस बैंक को, और ये वो सामने ब्रिज था जो मतलब सिंगल बाई सिंगल गाड़ी करके निकलवा रहे थे, और पहले हमारी जो गाड़ी थी वो NH 44 हाईवे से जानी थी, नेशनल हाईवे 44 से, लेकिन अभी आप मैप पे देख सकते हो हमारा जो रूट है वो थोड़ा चेंज हो चुका है एंड इस रूट पे जाएगी। ये बोल रहे हैं कि थोड़ा डेंजरस रूट होने वाला है, बोल रहे हैं बहुत डेंजरस रूट है ये, रास्ता खतरनाक है, रास्ता खतरनाक है। कौन सा रास्ता है ये? रामबन रोड। भाई अभी जो हमारा रास्ता होने वाला है वो रामबन रोड पे जाने वाली है, और गाड़ी नीचे खाई में जा सकती है, इतना खतरनाक रूट है ये रामबन रूट, बहुत खतरनाक रास्ता है ये, छोटे छोटे पुल है यहाँ। पर्ची काटी जा रही है, पता नहीं किस कमेटी की पर्ची होगी ना, कमेटी की पर्ची होगी। सो दोस्तों ये हमारा कश्मीर का गेटवे, और यहाँ से एक रास्ता बटोत को जाता है, पत्नीटॉप को जाता है, और एक जाता है हमारा कश्मीर वैली को। जी हाँ ये हमारा गेटवे कश्मीर का, यहाँ से कश्मीर के जो रेंजेस है वो स्टार्ट मतलब ब्यूटीफुल कश्मीर की जो वीडियो स्टार्ट हो जाती है यहीं से, और फाइनली हम पहुंच चुके हैं, मतलब ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से बहुत प्लेन रास्ता आएगा हमारा, मतलब कि यहाँ पे जो हाईवे है वो डबल हो जाएगा, पहले सिंगल था अभी बहुत बढ़िया रूट है, और हम 2-3 घंटे में जम्मू पहुंच जाएंगे, थैंक गॉड हम यहाँ पे पहुंचे। बाकी दोस्तों जम्मू यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा अभी, 100 किलोमीटर, ये नहीं कि भाई प्लेन ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, खतरनाक रास्ते हैं, तो इसलिए 3 घंटे आराम से
लग सकते हैं हमें जम्मू पहुंचने तक, तो मतलब खो लेते हैं इसको। टनल जिसकी लेंथ थी 9.something किलोमीटर, काफी ब्यूटीफुल टनल। सो फाइनली दोस्तों टाइम हो रहा है सुबह के 2:30 बज रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं अभी जम्मू बस स्टैंड पे। देख सकते हो ये पूरा बस स्टैंड है, और कश्मीर से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगा पता है? 13.5 घंटे, 150 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए इतना टाइम क्यों लगा? पावर ऑफ ट्रैफिक। सो बस ये था हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग, जिसमें मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था कश्मीर से लेके जम्मू तक। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, सेफ रहें और अपना ध्यान रखें।